अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोग हैं आज एंटोफिल में। एंटोफिल जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा घर है यहाँ पर। हम लोग हमारे एक मिलने वाले हैं, पहचान वाले हैं जिशान भाई, उनके यहाँ पर हैं आज। मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक में है इनका घर। यहाँ इन्होंने कुछ कोटा बकरे पाले हुए हैं जो अभी फॉर सेल निकाल रहे हैं, सो वो बकरे मैं आपको दिखाऊँगा आज। एंड मैं ये वीडियो में सबसे पहले आपको ये व्यू दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही आलीशान व्यू है एंटोफिल का। एंटोफिल जो वडाला में है, ये वाइट कलर की जो आपको मॉस्क दिख रही है, ये हाजी इस्माइल हाजी अल्लामा, काफ़ी फेमस मॉस्क है। एंड देन अगेन शेख मिस्री दरगाह, यहीं हम लोग पले बड़े हैं। ये दरगाह है हमारी, शेख मिस्री दरगाह। एंड देन पीछे एक और आपको यहाँ दरगाह दिखेगी, ये महफिल जहांगीरिया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ बकरों के साथ। सो फ्रेंड्स, जिशान भाई हमारे साथ में ही, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई। वालेकुम सलाम भाई। जिशान भाई मेरे बाजू में खड़े हैं, सो वो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं। जो है सामने भाई का नाम क्या? इनका जिशान है। जिशान इनका नाम भी जिशान है। अरे वाह, ये देखो मोनो ट्रेन भी जा रही है। अच्छा हुआ देख लिया लोगों ने। हाँ, ऐसा व्यू अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू। सो जिशान भाई, हम लोग लाइक आई थिंक एक बिल्डिंग ही दूर रहते हैं। यस। लेकिन पहली बार मिल रहे हैं आज हम लोग। या सो जो आप बकरे पाल रहे हो, आपने कुछ नाम रखा है अपने ये जो छोटा सा स्टार्टअप है? मतलब प्रॉपर फार्म नहीं, लेकिन मैं सब मेरे बकरे जब खरीदता हूँ, लेता हूँ, बेचता हूँ, तो सनराइज गोट्स रखा हूँ मैंने। सनराइज गोट्स? या ठीक है, यहाँ से सनराइज भी काफ़ी अच्छा दिखता होगा, इसके लिए नाम आया सनराइज। चलो पहले बकरे की बात करते हैं हम लोग, नहीं तो लोग बोलेंगे यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये कोटा बकरा है, राइट? यस, कोटा। इसकी हाइट क्या है? हाइट है 37, 37 थोड़ी ऊपर लें, 37 पकड़ के चलो। 37 पकड़ेंगे हम लोग। 37। एंड इसके दांत कितने हुए? दांत 8 फ्रेश है, क्योंकि मतलब पूरा टाइम अनाज ही खाता रहता है, तो इसके जल्दी दांत टूटे, 8 फ्रेश ही है। 8 फ्रेश है। मेरे हाथ का बच्चा ही है। हाँ। और ये मतलब 2 साल के ऊपर गई है। अच्छा, 8 फ्रेश के ऐसे। ओके, और वेट कितना होगा इसका? इसका वेट पकड़ के चलो 78 से 80। 78 से 80। लास्ट टाइम गए थे 78 आता, लेकिन अभी थोड़ा खाने पीने में। जी जिशान भाई, थोड़ा घुमाओ उसको आराम से। नहीं नहीं, हरकत नहीं, रहने दो। हरकत तो करते ही है कोटा बकरे, उसमें नो डाउट है। बहुत खूबसूरत है। पूरा एक दिन पहले नहीं लाना। हाँ, ये पूरा वाइट है ना? पूरा वाइट है, मतलब ये है, मतलब स्पॉट्स है, लेकिन स्पॉट्स पैर पे ही है। हाँ, पैर पे, एक कान पे। तो चेहरा दिखाइए। हाँ यस, ये पूरा मेंटल है। तभी कुछ अब वो बकरा है नहीं, पीछे एक और बकरा है, उसको देख के मतलब चार्ज होता है पूरा। हाँ। छोड़े वैसे चार्ज होता है वो। अभी एक दिन नहलाया इसको, इसके लिए शांत हो। 80 केजी इसका वेट है। 70 to 80 पकड़ के चलो। ओके, इसके कान पे एक टैग देखा मैंने, जीडी का, वो जीडी गोट फार्म। हाँ, तो वहाँ पर रखा गया था, वहाँ से लिया नहीं है, वहाँ से रखा गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के बाद वहाँ से हटा दिया हमने। ओके, नहीं वो प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ। है ना, वो आप जाने। एंड देन पर आपने वहाँ पर पलाई पर रखा था इसको? हाँ, एक महीना रखा था। एक महीना रखा था, डिस्टेंस भी दूर पड़ता था, तो इसके लिए आना जाना ना, ऑल दैट। ठीक है, तो आप खेलेंगे अभी थोड़ा सा? बस यहाँ नहीं आए, वो बात का ध्यान। ये मेरी तरफ ही आ रहा है, वो बकरा है ना उधर। माशाल्लाह, काफी अच्छा बकरा है। एंड जिशान भाई, आप आ जाइए इधर, आपसे और बात करते हैं। आप जाओ खेलो। अरे अरे अरे, दूसरे जिशान भाई को देख के ज़्यादा भड़क गया यहाँ। तो ये कितने में सेल करना है भाई आपको? ये 50 है, नेगोशिएबल। 50,000 आप मांग रहे हो इसको, नेगोशिएबल? नेगोशिएबल। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट आप कर देंगे ना? हाँ, मैं कर दूँगा। अगर किसी इधर भी डिस्टेंस अगर 18 आवर्स के ज़्यादा है, 18-20 आवर्स के ज़्यादा है, तो वहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना खड़े रह के जाता है बकरा, फिर नहीं। सही बात है जी। ठीक है, आप एनिमल लवर हैं, आप ये सब सोचते हैं, यही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तो ये पहला बकरा देखे, इसके बाद में हम लोग आपके और दो बकरे देख लेते हैं। हाँ, एक बकरा लुक Thank you.
सो हमको इसको बांधना पड़ा। हाँ जिशान भाई, देखो मैं तो पकड़ा नहीं, मैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी अभी भी सांसें चढ़ी हुई है। थोड़ा वो सा वॉलेटाइल है, थोड़ा वो पकड़ने देता नहीं किसको, खुला छोड़ देगा एकदम सांड हो जाता है। मैंने जैसे वो रैम्बो बकरा देखा था देवनार में, ये बिल्कुल वैसे ही घुमाता है कैसे भी, अचानक से एकदम साइलेंट लाइक घुसा है, चिल्लाता कम है। ये भी पूरा वाइट है, सिर्फ चेहरे पे ब्राउन है। कितने दांत पे है ये? है 6 दांत फ्रेश, 6 दांत। वजन? वजन रहेगा 75 to 78 उसके बीच में। लास्ट टाइम कराए थे 76 आया था, नहीं वो बात को टाइम होगा, 8 साल होगा। और इसकी हाइट? इसकी हाइट रहेगी 38। अच्छा, और जैसे पेटी वगैरह बोलते हैं तो इसकी कैसी पेटी है? बहुत अच्छी पेटी है। और ये बकरा इससे लिया, वैसे भी भराई का मास्टर है वो भोपाल में, नाम बताऊंगा नहीं मैं। और ये उनका भराई का बकरा था वो, तो भराई पे था ये। हाँ, आपने इसको जस्ट मतलब कर लोग भराई को एक मंथ ही हुआ तो मैंने ले लिया, मुझे पसंद आ गया। फिर आपने नॉर्मल खिलाना स्टार्ट किया? भराई के खिलाफ ही हूँ, तो मैं नॉर्मली खिलाया। तो इसका वजन कम हुआ उस लाने के बाद? छोटा था, बहुत छोटा था, मतलब ये 2 दांत कुछ लगाया था वो टाइम पे लोग भराई स्टार्ट किए थे इसको। तो मतलब भराई से नॉर्मल लाने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ बोलने का मतलब? 1 महीना हुआ था, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, खाने लग गए? हाँ, अभी खुद से मुँह से खाने लगा। अभी खाने में क्या क्या देते हो आप इनको? इसको अपना अजीलेट का प्रीमियम फीड है, ब्लू फीड, तो हरी पत्ती, कैल्शियम, ग्लूटॉन, और इसके थोड़ी बहुत है मेडिसिन से, मेडिकेशन से उसके लिए। मतलब आप पूरे तरीके से साइंटिफिकली गोट फार्मिंग कर रहे हो यहाँ पर? प्रॉपर तरीके से। तो बीमारी का कैसा होता है आपके यहाँ? बीमारी आती नहीं होंगी देन? कम आती है तो नहीं आई है, आती तो भी बहुत रेयर केस में हुआ लूज मोशन, तो भी कुछ ज़्यादा बकरा उठा लेता अनाज उसके, बाकी इसके अलावा लूज मोशन का। अनाज में क्या देना चाहिए कोटा को? अनाज में डिपेंड्स होता है, जैसे मेजॉरिटी कोटा को मैं अनाज देता हूँ, अनाज में गेहूँ हो गया, जव हो गया, और थोड़ा पेट के लिए अपना हल्के के लिए हो गया, सब गुल का छिलका वो हो गया, आलू जीरा हो गया। तो कितने में बेचोगे आप ये बकरा? ये भी फेस है 50 50। इसकी इसकी कान की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है पहले वाले से? हाँ, है ना, थोड़ी अच्छी है इसकी। इसको आपने पलाई पे नहीं रखा ना? हाँ, इसको आपने पलाई में नहीं रखा था जीडी? नहीं, किधर नहीं, ये डायरेक्ट भोपाल से डायरेक्ट मेरे पास आए हैं। ठीक है, सो ये दूसरा बकरा भी हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा लगा, अब लास्ट वाला देख लेंगे। सो अभी जिशान भाई का हम लोग तीसरा बकरा देखे। जिशान भाई, मैंने एक चीज़ पूछना ही भूल गया आपको, आपने बकरों के नाम तो रखे ही होंगे, तो ये बकरे का नाम क्या है? इसका नाम जूस है। जूस? या कोई चीज़ से इंस्पायर्ड है जूस नाम, या ऐसे नहीं मतलब इसका मे भी एक जूस का एक आया था, एक एनिमेटेड आया था कैरेक्टर, तो उसका कलर ब्लैक और ब्राउन रहता है और थोड़ा टॉल रहता है, तो उसके इसका नाम गॉड ऑफ गॉड को जूस बोलते हैं, गॉड ऑफ गॉड्स। अच्छा, तो वो सा कलर इसके इसके नाम जूस रखा था, बचपन से इसका नाम जूस है। ओके, बचपन से आप पाले इसको? हाँ, ये तो छोटेपन से, अजंता जब से। कितने दांत पे? ये भी 4 फ्रेश है। हाँ, इसका सिक्का वगैरह बहुत अच्छा है, और सबसे ज़्यादा यही मेंटल है मेरे तीनों बकरे में से, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बोले तो मतलब पॉसिबल ही नहीं आदमी पकड़े इसको। 4 दांत पे। और इसका वज़न क्या? इसका वज़न 80 to 85 है, इसका बोन वेट ज़्यादा है, इसका बोन वेट बोन डेसेंट ज़्यादा है। और हाइट कितनी बताए थे? इसकी हाइट 39 है, ऊपर ही निकलेगी। ओके, पहले फिर 39 पकड़ के चलो। ठीक है, कुछ इसके पीछे हिस्ट्री आप बता रहे थे मेरे को। हाँ, ये मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल ही है। हाँ, और जब आया था तब एक आदमी ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज कर चुका है। कितना हाँ, बड़ा लिए थे आपने इसको? इसको अदंती लेते, लेकिन इसकी हाइट जब लिया था तब से इसकी 38 है। एकदम प्योर करोली कोटा, प्योर करोली है। और उसका पैर भी देख लो, आप पैटर्न देखोगे इतना पैच प्रॉपर किसको नहीं आता करोली में, पैर एकदम हिरन पैर बोलते हैं इसको, मतलब कलर नीचे तक उतरना स्टाइल में पूरा वैसा है, पूंछ भी टेढ़ी है, पैर भी इसके टेढ़े क्रॉस। ये बिल्कुल भराई नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास ही बचपन से। तो ये कितने में सेल करेंगे आप? ये 60 है, नेगोशिएबल नहीं। 60? हाँ, 60 नेगोशिएबल नहीं है, नहीं, फाइनल। ओके, ये असल में पालने वाला था मैं, लेकिन रीजंस की वजह से इसको भी मैं बेच रहा हूँ, बनने वाली चीज़। आप तो कोटा पाल रहे हो ना, आप समझ रहे हो चीज़ों को। झालर वालर कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत ज़्यादा। इसका झालर कैसा है? हाँ, बहुत है। निशान आगे झालर खींच दिया, टेस्ट कैसा? पूरा लटकन पूरी है, पूरी लटकन पूरी है, जब बाल उतारते तो पूरा चमड़ी सी दिखती है। अगर अभी कोई खरीद के इसको भराई पे ले ले तो ये कितना वेट हो जाएगा आपके हिसाब से? भराई पे तो ये 100 अबाउट हो जाएगा, 100 तो अबाउट ऐसे चलेगा। और लेने लायक है क्या भराई पे बकरा? हाँ, लेने लायक है, ऑब्वियसली लेने लायक। नहीं, आपसे पूछना जरूरी है क्योंकि आप गर्म है, लेकिन वो भराई पे चले आएगा वो, क्योंकि वैसा गर्म नहीं कि मतलब देख के चार्ज हो जाए, खाली उंगली करेगी तो। सिक्का बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत कड़क है माशाल्लाह।
सो फ्रेंड्स, इसको बांध के क्यों रखा गया था और रीज़न आप लोग शायद समझ लोगे अभी। हमारे कुछ भाइयों को बहुत हंसी आ रही है। भाई भाई आराम से। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई का शौक अच्छा है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज एनिमल्स। सो अगर आपको इनके कोई भी गोट्स बाय करने हैं या इनसे कांटेक्ट करना है, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए जिशान भाई से। ये एंटोफिल में ही रहते हैं, एंटोफिल शेख मिसी दरगाह के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हमको जाना पड़ेगा जिशान भाई के रेस्क्यू के लिए। आप लोग जाओ पकड़ो उसको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जिशान भाई एक बार आप अपना नंबर बोल दीजिए। 8355 8355 90 90 64 64 62 62। और एक और है, बोलिए। 9322 9322 72 51 51 72 72। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके नंबर डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।